वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आवर फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 3 इज काइनेमेटिक्स। हियर मोशन इज थ्री टाइप्स, मोशंस आर थ्री टाइप्स, three types, first static, second kinematics and third is dynamics। ठीक है, उसी में आपका जो second है वो है kinematics। तो kinematics को समझते हैं बेटे। kinematics पहले इसकी simple physics में value देखते हैं। this branch of physics We study the motion of objects without looking at the cause of the motion. This branch of physics, we study the motion of objects, जो भी objects हैं उनके motions के, without looking at the cause of the motion. क्लियर? And chapter is motion. Next topic is motion. Motion की definition देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा मोशन को समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में जो कोई पार्टिकल है या बॉडी है, पार्टिकल या बॉडी रेस्पेक्ट टू टाइम अपने जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में होगा। और पोजीशन किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपके सिंपल स्टैटिक। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन में है, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो स्टैटिक है। क्लियर है? तो मोशन में क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसकी वो पोजीशन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। और एग्जांपल मोशन के लिए एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है आपका मोमेंट ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल्स है वो उनकी जो मोमेंट है वो मोशन में है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो व्हीकल्स है वो क्या चेंज करते हैं, वो अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स है वो भी वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो भी मोशन में बोले जाएंगे। मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो मोशन है वो भी मोशन में आएगा। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो ये जो सब एग्जांपल्स हैं ये मोशन के एग्जांपल हैं। इसका मतलब मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन में चेंज होगा वो। ठीक है, फिर इसमें मोशन को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सिस्टम, रिलेटिव टू ए सिस्टम कैन बी रेस्ट एंड टू द अदर कैन बी इन मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका, पहले तो ये ध्यान रखे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें आपके पास थ्री एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, और जहां थ्री एक्सिस जो है वो कट करेंगे वो ओरिजिन पॉइंट होगा। तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कितने है, उसमें कितने एक्सिस है, थ्री एक्सिस है एक्स वाई जेड, और जो ओ है वो कहलाएगा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। देखो जब हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टैटिक हूं,
तो मेरे सराउंडिंग जो भी आपको दिख रहा है, ट्रीज है, जो भी बिल्डिंग्स है, वो सब क्या है? स्टैटिक, ठीक है। और अगर मैं किसी ट्रेन में या बस में हूँ, ट्रेन और बस मोशन में है, तो मुझे जो ट्रीज है मेरे सराउंडिंग, अगर मैं उस ट्रेन या बस से बाहर देखता हूँ, तो मुझे ट्री और जो बिल्डिंग्स है वो कैसी नजर आएंगी? मोशन में नजर आएंगी। और वो भी आपके जो जो आपकी गाड़ी है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इट मीन्स एक पोजीशन, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे था, मैंने देखा कि जो ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, वो सब स्टैटिक है। ये तो हो गया आपका स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड है कि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया मेरा खुद का, मैंने किसी ट्रेन या बस में जैसे ट्रेवल कर रहा था उस टाइम मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, उससे मुझे ट्री और जो बिल्डिंग्स थी, वही ट्रीज और बिल्डिंग्स क्या हो गई? मोशन में दिखाई दी। तो मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ही ज्यादा रोल है। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो मोशन में है या रेस्ट में, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में? वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने एक्सिस होंगे? थ्री एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड। ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल थ्री कट द एक कॉमन पॉइंट, दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड ओ। क्लियर? सो टुडे आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। जो हमारा आरसीआई का वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।